नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी और चने दाल की एक स्पेशल सब्जी। यह बनाने में बहुत ही आसान है तथा खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और इसी प्रकार की नई रेसिपी के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चना दाल और लौकी की सब्जी बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज की लौकी को अच्छे से छील कर वॉश करके उसे कट कर लिया है और 150 ग्राम चना दाल हाफ आवर भिगो कर रख लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज छोटे छोटे साइज में कट कर लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश करने के लिए लिया है और 1 पिंच हींग लिया है। 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। 2 मीडियम साइज का टमाटर कट करके ले लिया है। 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल ले लिया। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून ही गरम मसाला पाउडर लिया है तथा इस एक पेस्ट मैंने बना लिया है, जिसमें कि लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का तथा जीरा का पेस्ट बनाया है। आप इसमें मिर्ची अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं या कट करके भी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मेरी यह राय है कि मिर्ची को पीस कर लें। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक कुकर को चढ़ा दिया है। कुकर थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। यहाँ पर हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसमें हम हींग डालेंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छी तरीके से चटकने लगे तो उसमें हम कट करी हुई प्याज को डालेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारी प्याज यहाँ पर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसके बाद इसमें हमने जो पेस्ट बनाकर रखा था, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, उसको ऐड करेंगे। इस पेस्ट को हम 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे जब तक कि ये ऑयल को छोड़ ना दे। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक गया है। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के बाद इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे तथा इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। टमाटर के बाद नमक को डालने से टमाटर अच्छी तरीके से गल जाता है, इसीलिए हम टमाटर के बाद ही इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम जो मसालों को रखा हुआ है उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इन सारे मसालों को इसमें ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इन मसालों को अच्छी तरीके से मिलाकर इसको लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हम खोलकर देख लेंगे। हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक गए हैं तथा इसमें तेल को छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मिलाकर भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसको हम ढक देंगे और 5 मिनट तक इसको इसी में पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम खोल कर देख लेते हैं हमारा मसाला कैसे है। इसके बाद हम इसमें लौकी को ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को और लौकी को अच्छी तरीके से चलाएंगे। यहाँ पर हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से मिल गए हैं। अब इसमें हम 1.5 ग्लास वाटर को ऐड करेंगे। इसके बाद हम लो मीडियम फ्लेम पर इस प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर हमारे कुकर में मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आ चुकी है और अब हम खोलकर देख लेते हैं कि हमारे चने दाल और लौकी की सब्जी कैसे बनी है। तो चलिए खोलकर देखते हैं। देखिए हमारे लौकी और चने की दाल की सब्जी किस तरह बनी है। अब हम इसे 1 चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से चलाएंगे और चलाने के बाद थोड़ा सा मैश कर देंगे।
अगर हमारी लौकी मैश नहीं हुई है तो। इसके बाद देखते हैं कि हमारी चने दाल और लौकी की सब्जी कितनी लाजवाब दिख रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड करेंगे। धनिया का पत्ता ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने चने दाल और लौकी की सब्जी को एक बाउल में निकाल लिया है और यह देखने में जितनी ही अच्छी दिख रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। लौकी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। बहुत से लोगों को लौकी की सब्जी पसंद नहीं आती है, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो आपको लौकी ज़रूर पसंद आएगी और लौकी खाने से हमारा वज़न भी कम होता है। लौकी हरी सब्जियों में गिनी जाती है, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से लौकी की सब्जी और हमें कमेंट करके बताइए कि